दोस्तों 76 साल के अमिताभ बच्चन ना केवल फिल्मों में बल्कि सोशल मीडिया पर भी काफ़ी एक्टिव रहते हैं। सोशल मीडिया पर वो गिने चुने एक्टर्स में से है जो सीधे अपने फैंस के सवालों का जवाब देते हैं। अमिताभ बच्चन ने हाल ही में फिल्म तेरा यार हूँ मैं के सेट से तस्वीरें शेयर की थी जिसमें वो बकरियाँ चला रहे थे और दोस्तों देखते ही देखते ये तस्वीरें काफ़ी वायरल हो गई थी। दोस्तों अमिताभ बच्चन एक के बाद एक कई फिल्में कर रहे हैं, इसके साथ ही दोस्तों अब वो किसी और वजह से भी चर्चा में है। दोस्तों बिग बी ने साल 2018 और 19 के वित्तीय वर्ष में सबसे ज्यादा टैक्स भरने वाले कलाकार बन चुके हैं। इसी के साथ उन्होंने बॉलीवुड में सभी को पीछे छोड़ दिया। अमिताभ बच्चन के प्रवक्ता ने इसकी पुष्टि की है। 76 साल की उम्र में भी बिग बी लगातार काम कर रहे हैं। यही नहीं दोस्तों, वो एक ऐसे कलाकार है जो सबसे ज्यादा ब्रांड का विज्ञापन भी करते हैं। दोस्तों जानकारी के मुताबिक अमिताभ बच्चन ने इस साल कुल 70 करोड़ का इनकम टैक्स भरा है। केवल इनकम टैक्स के मामले में नहीं, हाल ही में दोस्तों उन्होंने बिहार के 2084 किसानों की आर्थिक मदद भी की थी। वहीं दोस्तों पुलवामा हमले में शहीद हुए जवानों के परिजनों को मदद करने में भी अमिताभ बच्चन पीछे नहीं रहे। अमिताभ ने शहीद के परिवारों को 10-10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता भी दी थी। दोस्तों वहीं अगर उनके वर्ल्ड फ्रंट की बात करें तो अमिताभ बच्चन की हाल ही रिलीज फिल्म बदला थी, सस्पेंस थ्रिलर आधारित इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर जोरदार कमाई की थी। दोस्तों सुजोय घोष के निर्देशन में बनी फिल्म में अमिताभ के साथ में तापसी पन्नू की मुख्य भूमिका थी। इसके अलावा जल्द ही दोस्तों वो अयान मुखर्जी की फिल्म ब्रह्मास्त्र में भी दिखाई देंगे। ये फिल्म दोस्तों क्रिसमस के मौके पर रिलीज होगी। वहीं दोस्तों अमिताभ बच्चन की फिल्म तेरा यार हूं मैं के बारे में अगर बात करें तो ये एक तमिल फिल्म है। फिल्म हिंदी में भी रिलीज होगी। अमिताभ के अलावा फिल्म में एक्टर सूर्या और राम्या कृष्ण भी नजर आएंगे। दोस्तों 20 साल बाद अमिताभ बच्चन फिल्म बड़े मियां छोटे मियां की को एक्ट्रेस राम्या कृष्णन के साथ में दिखाई देंगे।